मुंबई इंडियंस के फैंस तो पहले सिर्फ इसलिए दुखी थे कि रोहित शर्मा उनको मुंबई इंडियन के कप्तान के तौर पर नहीं दिखने वाले हैं, लेकिन लगता है मुंबई इंडियन अपने फैंस को और भी ज़्यादा दुखी देखना चाहती है, इसलिए एक वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर किया गया है मुंबई इंडियंस के हैंडल की तरफ से, जिस वीडियो में आपको रोहित शर्मा दिखते ही नहीं है। और उसके बाद पूरा का पूरा सोशल मीडिया जो है इस बारे में पूछ रहा है कि भाई आखिर मुंबई इंडियन को रोहित शर्मा से ऐसी क्या दुश्मनी हो गई है जो अपने प्लेयर्स की वीडियो तक में नहीं डाल रहे हैं उनको। कई लोग तो ये बोल रहे हैं कि पांड्या ने ऐसा क्या चूरन चढ़ा दिया है कि रोहित शर्मा को इस तरीके से मुंबई इंडियन भूल रही है। दरअसल बात यह है कि आप मुंबई इंडियन के किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर जाइए तो 20 तारीख को मुंबई इंडियन ने एक वीडियो डाला था जिसमें कि आपको ईशान किशन वीडियो के शुरुआत में मिलते हैं और उसके बाद एक तरीके से सीरीज है इस वीडियो में सारे ही प्लेयर्स की फोटो का, जहां पर कि सारे प्लेयर भी दिखते हैं, साथ में जो है सपोर्टिंग स्टाफ भी दिखते हैं, लेकिन आपको उसमें दो प्लेयर नहीं दिखाई देते हैं, एक तो बुमराह और दूसरे रोहित शर्मा। और उसके बाद सवालों का एक सिलसिला जारी हो जाता है। विराट डिविलियर्स कहते हैं रोहित शर्मा सैक्ड हेयर एज वेल। उसके बाद जो है कई सारे लोग पूछते हैं रोहित शर्मा कहाँ है, कई सारे लोग पूछ रहे हैं, कई लोग पूछते हैं अपना रोहित दिखा क्या इसमें, कोई पूछ रहा है ईशान किशन रोहित कहाँ है, कोई पूछ रहा है नो रोहित नो बुमराह क्लियरली द बिग प्लेयर आर वेरी अनहैप्पी विद द टीम एंड द मैनेजमेंट होपिंग टू सी रोहित बूम एंड स्काई इन वन टीम। बहुत सारे ऐसे ही सवाल जो है मुंबई इंडियंस पर उठाए जा रहे हैं। आप सबको पता है कि मुंबई इंडियन ने पांड्या को कैप्टन चुन करके सबको सरप्राइज कर दिया था और उसके बाद से ही ये सवाल बार बार उठाया जा रहा था कि ऐसा रोहित शर्मा ने क्या कर दिया जो कि मुंबई इंडियन अब रोहित शर्मा को साइडलाइन कर रही है। और हार्दिक पांड्या बार बार ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि रोहित शर्मा से उनका बहुत अच्छा बनता है और वो 10 साल से खेल रहे हैं, इसलिए कोई भी ऐसा उनको ऑकवर्ड फील नहीं होगा अगर रोहित शर्मा उनके नीचे खेलेंगे तो। और साथ में पांड्या ने ये भी बोला है कि रोहित शर्मा अपना हाथ जो है हमेशा पांड्या के कंधे पर रखेंगे क्योंकि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या 10 साल से खेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात तो हार्दिक पांड्या ने खुद कबूल कर ली कि रोहित शर्मा जो है पिछले 2 महीने से लगातार खेल रहे हैं देश के लिए, इस वजह से रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की कोई बात नहीं हुई है। और साथ में हार्दिक पांड्या ने यह भी कहा कि जैसे ही वो मिलेंगे वो दोनों तो फिर बात करेंगे इस पे। आप अगर सिर्फ हार्दिक पांड्या की ही बातों पर ध्यान देंगे तो आपको ये बात साफ समझ आएगा कि किस तरीके से मुंबई इंडियन ने रोहित शर्मा को साइडलाइन किया है। 2 महीने बीत रहे हैं और मुंबई इंडियन के जो अभी कप्तान है हार्दिक पांड्या, उन्होंने एक सीनियर प्लेयर रोहित शर्मा से बात नहीं की है। और कहा जाता है कि रोहित शर्मा ऐसे प्लेयर में से आते हैं मुंबई इंडियन के जो कि मुंबई इंडियन को एकदम जड़ से खड़ा किए हैं, चाहे वो हार्दिक पांड्या ऐसे प्लेयर हो चाहे वो बुमराह ऐसे प्लेयर हो, कोई भी प्लेयर जो कि मुंबई इंडियन से अपना नाम कमाया है उसके पीछे रोहित शर्मा का हाथ है। लेकिन आज जिस तरीके से रोहित शर्मा को साइडलाइन किया जा रहा है, कई सारे मुंबई इंडियंस फैंस को ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा है और अंदर ही अंदर वो जल रहे हैं कि कब जो है 2025 का मेगा ऑक्शन आएगा और रोहित शर्मा को हम किसी और टीम में देखेंगे। और अगर मुंबई इंडियन के कप्तान ही रोहित शर्मा नहीं दिखेंगे तो जाहिर सा बात है कि उनके फैंस भी थोड़े बहुत नाराज़ तो होंगे ही। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।